इतना घना जंगल है कि डर लग रहा है लिटरली कहीं से कोई जानवर ना आ जाए। क्या सीन है। तो दोस्तों लगभग 3 बज गए हैं और अब हमें जाना है वांद्री लेक, तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो अगर आप नहीं जानते और अगर आपने पिछला व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। मैं इस वक्त हूँ सातिवली में, जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और यहाँ पर मैं इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर है नैसर्गिक यानी प्राकृतिक गर्म पानी का झरना और कुंड भी बने हुए हैं। बहुत ही वेल मेंटेन्ड है, लेडीज़ और जेंट्स के लिए अलग अलग बना है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। और अगर आप कंपेयर करेंगे व्रजेश्वरी और सातिवली को, तो मैं सजेस्ट करूँगा सातिवली बेस्ट है, क्योंकि वेल मेंटेन्ड है, साफ़ सुथरा है और सेपरेट है लेडीज़ और जेंट्स के लिए, प्राइवेसी भी अच्छी है। तो हम सातिवली से निकल गए और ये पहुंच गए हैं मेन हाईवे पे। ये मुंबई अहमदाबाद हाईवे है, अब हमें यहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ेगा। वहाँ से लेफ़्ट लेने के बाद 100 मीटर अगर आप आगे आते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से कट बना हुआ है राइट लेने के लिए। फ़िलहाल ये क्रॉस करना भी एक बड़ा चैलेंज है कि बहुत स्पीड में गाड़ियाँ आ रही हैं, तो मैं इसे क्रॉस कर लेता हूँ, यहाँ से राइट ले लेता हूँ, उसके बाद कनेक्ट करता हूँ। दोनों तरफ दूर दूर तक पेड़ पौधे नज़र आ रहे हैं और बीच में इतना बड़ा हाईवे, और सामने आप देख सकते हैं पहाड़, उसके ऊपर सूर्यदेव अपनी प्रकाश बरसाते हुए। ट्रस्ट मी दोस्तों, इतना खूबसूरत सीन है कि मुझे कैमरा बंद करने का मन ही नहीं कर रहा है, लग रहा है कि लगातार रिकॉर्डिंग करते जाऊँ और बाइक सीधे सीधे चलाते जाऊँ। गूगल अंकल बता रहे हैं कि ये ब्रिज है, इसके नीचे से जाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ से हम लेफ़्ट ले लेंगे। सातिवली से लगभग 20 मिनट का रास्ता है। अगर आप मुंबई से आते हैं तो इसी ब्रिज के नीचे से राइट लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं सीधा आगे चला गया था, सातिवली पहले जाके आया हूँ, तो मुझे यहाँ से लेफ़्ट लेना पड़ेगा। और इस जगह को आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा, अगर पहले आपने कोई वांद्री लेक का वीडियो देखा हो यूट्यूब पर तो आपने इस जगह को बहुत सारे वीडियोज़ में देखा होगा। और यहीं पर खाने पीने की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आगे शायद कोई खाने पीने का ऑप्शन नहीं है, जैसा कि मैंने बाकी के यूट्यूबर्स के वीडियो में देखा है। बेहद ही खूबसूरत रास्ता दोस्तों, ऐसे लग रहा है किसी अलग ही देश में आ गया हूँ, और मैं जस्ट इमेजिन कर रहा हूँ कि मानसून में कैसा सीन रहता होगा। एक बार मानसून में भी ज़रूर आऊँगा यहाँ पर। जैसा कि मैं हमेशा कहता रहता हूँ, मंजिल की खूबसूरती तो जो होगी सो होगी, मगर ये रास्ते दोस्तों मैं क्या बोलूँ, आप खुद ही देख लीजिए। Thank you.
है गांव, ये मेन स्पॉट है, यहाँ पर रुकना चाहिए, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था तो इसके आगे जाने नहीं दे रहे थे लोग, और यहीं पर एक स्पॉट बना हुआ है लोगों के लिए। मगर गूगल मैप में दिखाई दे रहा है कि हमें और आगे जाना है, और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और ये चौकी बनी थी जब लॉकडाउन लगा था, तो यहाँ पुलिस वाले बैठा करते थे और यहाँ से लोगों को वापस भेज दिया करते थे, और ना तो लेक के पास जाने देते थे ना आगे की तरफ जाने देते थे। तो ये है मेन स्पॉट, यहाँ पर आप अपनी बाइक या फोर व्हीलर लगा कर और यहाँ से नीचे जा सकते हैं, नीचे स्पॉट बना हुआ है, लेकिन गूगल मैप में दिखा रहा है कि आगे जाना है, तो आगे जाकर भी देख लेते हैं। इतना घना जंगल है कि डर लग रहा है लिटरली कहीं से कोई जानवर ना आ जाए, क्या सीन है। एक अच्छी बात ये है कि बीच बीच में कोई ना कोई बाइकर्स आते जा रहे हैं, कुछ यहाँ के लोकल्स दिखाई दे रहे हैं और कुछ राइडर्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक राहत की बात है। हद से ज़्यादा सुंदर जगह है दोस्तों, अगर आप नेचर लवर हैं तो बिल्कुल आइए, 12 महीने में कभी भी आ सकते हैं। अभी तो ये आज 16 जनवरी 2022 है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं ग्रीनरी, और इतना घना जंगल है कि दूर दूर तक ना इंसान ना कोई घर, सिर्फ ये प्रकृति और हम। ऐसे में बाइक चलाने का तो आनंद ही कुछ और है। हम लग रहा है कि पहुंचने वाले हैं, क्योंकि गूगल अंकल ने इशारा दे दिया है कि यहाँ से हमें बाएं मुड़ना है, तो ये है वो रास्ता, यहाँ से हमें बाएं मुड़ना है, और ये तो पूरा कच्चा रास्ता है। ऐसे टर्न लेते ही मुझे ऐसे लगा कि मैं वापस से तुंगारेश्वर महादेव मंदिर की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पर भी ऐसा ही रास्ता था, कच्चा रास्ता और फुल ऑफ रोडिंग, पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, बाइक चढ़ाना है, पूरा कच्चा रास्ता, बीच में गोल गोल बड़े बड़े पत्थर, और बीच बीच में एक आधा वाटर क्रॉसिंग भी है। तुंगारेश्वर का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिए, बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ भी अगर आप बाइकर हैं तो वहाँ भी अपना ड्राइविंग स्किल चेक करने ज़रूर जाइएगा, बहुत बेहतरीन ऑफ रोडिंग है, और ये भी लगभग उसी तरह का है। अगर बारिश में यहाँ आएँगे तो शायद यहाँ बाइक चलाने में ज़्यादा प्रॉब्लम हो, यहाँ पर भी बड़े बड़े पत्थर हैं बीच बीच में, और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, बीच में कहीं गैप है, कहीं खड्डा है, कहीं ऊंचा है। अभी फ़िलहाल तो रास्ता सूखा हुआ है तो इजीली हम चला सकते हैं, लेकिन बारिश में क्या माहौल होगा पता नहीं। ये क्या है भैया, यहाँ तो गेट बंद है और दोनों गेट पर ताला लगा हुआ है, और गूगल अंकल ने हमें ये कहाँ लाकर छोड़ दिया भैया। पता नहीं ये परमानेंटली बंद कर दिया है या कोविड की वजह से बंद किया हुआ है, मगर जैसा गेट लगाया मुझे लग रहा है परमानेंट बंद है, तो अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आप देख सकते हैं लकड़ी का गेट है, हालांकि आप इसे पार करके जा सकते हैं मगर रिस्की है, और ये तो एक लोहे का गेट बना दिया गया है, यहाँ से तो जाना मुश्किल है। तो अब हम यहाँ से लेंगे यू टर्न, और जो पिछला स्पॉट आपको दिखाया था वहीं पर जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आगे तो नहीं जा सकते, और हो सकेगा तो यहाँ से लेफ़्ट लेके थोड़ा और आगे जाके देखता हूँ, अगर वहाँ पर कोई स्पॉट दिखाई देगा तो आपको मैं दिखाता हूँ। गूगल अंकल के धोखा देने के बाद मैं लेफ़्ट लेके लगभग 1.5 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, और कोई स्पॉट ऐसा दिखाई नहीं दिया मुझे, और बहुत ही सुनसान इलाका है दोस्तों, बाइक पर होने के बाद भी ऐसा लगता है कि भगाते जाओ। ये एक बढ़िया स्पॉट है, यहाँ रुकने जैसा है, लेफ़्ट साइड में झील नज़र आ रही है, मगर मैं सोच रहा हूँ थोड़ा और आगे जाऊँ, अगर झील के आसपास जाने मिल जाए वांद्री लेक के आसपास, तो वो एक स्पॉट देखने लायक होगा, और हो सकेगा तो आपको भी दिखाऊंगा, और नहीं होगा तो फिर यू टर्न मार के वापस आ जाएंगे। फ़िलहाल चलते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं आगे का क्या सीन है। बाकी अगर आप बाइक चलाने का मज़ा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए दोस्तों, ये तो ज़बरदस्त रास्ता है, बस रास्ता थोड़ा ख़राब है, थोड़ा ऑफ रोडिंग टाइप है, बीच बीच में ख़राब पैचेस हैं और कहीं कहीं पे थोड़ा ठीक है, मगर जो नेचर के साथ आप बाइक चला रहे हैं, ट्रस्ट मी, ऐसा एक्सपीरियंस बहुत ही मुश्किल है मुंबई के आसपास में मिलना। मुझे लगता है 50 किलोमीटर ही हम लोग आए हैं, 50 या 60 किलोमीटर, और मुंबई से 50-60 किलोमीटर के बाद अगर आपको ऐसा नज़ारा मिलता हो और ऐसी बाइक चलाने का एक्सपीरियंस मिलता हो, ओ भाई यहाँ तो लोग गाड़ी लगा के दारू पी रहे हैं। और यहाँ से नीचे जाने का तो रास्ता कोई दिखाई नहीं दे रहा है, हम लोग और ऊपर की तरफ यानी ऊंचाई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो और आगे जाने का मुझे तो कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। और ये यहाँ पर एक बैलोबा बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं नेचर का। तो बस हो गया दोस्तों, अब यहाँ से यू टर्न ले लेते हैं। क्या बेहतरीन जगह है दोस्तों, ये शायद कोई नदी है जो सूख चुकी है, उसके ऊपर से ब्रिज गया है, यहाँ पर अपनी मिट्टू का एक पिक लेना तो बनता ही है दोस्त।
यही वो ब्रिज है जो रास्ते में हमें दिखाई दिया था जाते समय, और आप देख सकते हैं क्या बेहतरीन नज़ारे हैं। दोस्तों आज है 16 जनवरी 2022 संडे है आज, मगर बहुत ही खाली है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। आप देख सकते हैं वैसे तो घना जंगल है, मगर बीच में से कहीं से रास्ता होगा नीचे जाने के लिए। मगर आप अगर अकेले हैं या दो लोग हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा नीचे मत जाइएगा। अगर आप बहुत बड़ी ग्रुप में हैं तो एक बार चांस ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ही रिस्की होगा। अगर कोई जंगली जानवर नहीं तो सांप बिच्छू तो मिलेंगे ही यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं मैंने बाइक वहाँ खड़ी कर दी है, और ये नज़ारे आप देखिए, बेहतरीन नज़ारे हैं दोस्तों, बेहतरीन नज़ारे हैं, वन ऑफ द बेस्ट सीन। बहुत ही सुनसान इलाका है तो यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा, तो कुछ देर रुकता हूँ और उस वाले स्पॉट पर दोबारा जाते हैं जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी थी। क्या बात है, क्या सीन है दोस्तों, एक बहुत बड़ा सा सांप दिखाई दे रहा है, शायद 4 या 5 फुट का होगा, पता नहीं पानी वाला सांप है या कोई कोबरा स्नेक है, यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत दूर है। मैंने 4x जूम किया यानी 4 गुना ज़्यादा जूम करके दिखा रहा हूँ, और वो देखिए, पता नहीं इस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है इस वीडियो में। वो आप देख सकते हैं दोस्तों, उसी रास्ते से आप आते हैं और वो वहाँ पर 4-5 घर दिखाई दे रहे हैं, एक गांव जैसा है, हार्डली 8-10 घर होंगे वहाँ पर, और बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो आप वहाँ पर अपनी बाइक या 4-व्हीलर लगा सकते हैं, और वहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं एक स्पॉट बना हुआ है जहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं, कुछ लोग गाने भी बजा रहे हैं, तो वहाँ आप जा सकते हैं। और वहाँ से आगे भी बना हुआ है रास्ता, तो आगे भी आप जा सकते हैं, और यहाँ से आगे आकर यहाँ ऊपर भी थोड़ी पार्किंग की जगह है, तो यहाँ भी आप गाड़ी 2-व्हीलर या 4-व्हीलर लगा सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ बहुत कचरा है, तो हम यहाँ से नीचे चलते हैं और लेक के पास जाके देखते हैं क्या सीन है। दोस्तों शाम के 4:46 हो गए, हमें यहाँ आकर 1.5 घंटा हो गया है, तो अब मुझे पता चला कि आगे का रास्ता क्यों बंद है, इतना कचरा इतना गंद मचाया है लोगों ने कि क्या बताऊँ। वही एक स्पॉट है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप बैठ के आनंद ले सकते हैं, या फिर उसके आगे भी आप जा सकते हैं,
वहाँ से रास्ता बना हुआ है, यहाँ से राइट में भी आप जा सकते हैं या फिर वो सामने जो पॉइंट जैसा दिखाई दे रहा है वहाँ पर शायद बंद है, लेकिन कुछ दूर तक तो आप जा ही सकते हैं। और अगर आप गूगल मैप के सहारे आ रहे हैं तो यहीं पर रुक जाइएगा, आगे मत जाइएगा। और वो अगर आप देख रहे हैं पहाड़, वहाँ पर अगर आपको सनराइज़ कैप्चर करना है तो अर्ली मॉर्निंग आके सनराइज़ कैप्चर कर सकते हैं, वहाँ से सनराइज़ होता है। और यही स्पॉट है मेन, गूगल मैप्स के हिसाब से आपको आगे जाना पड़ेगा, मगर वहाँ मत जाइएगा क्योंकि वो रास्ता बंद है। फिर भी अगर आप घने जंगल में बाइक या फोर व्हीलर चलाने का मज़ा लेना चाहते हैं तो बिल्कुल जाइए, बहुत ही बेहतरीन जगह है दोस्तों। तो ये है वांद्री लेक। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। तो दोस्तों फाइनली हम निकल पड़े अपने घर की ओर, और ये एक हिमालयन रॉयल एनफील्ड हिमालयन राइडर हैं जो कि अपने मिरर में मुझे देख रहे हैं। पता नहीं, शायद मेरे हैंडल पे कैमरा लगा है, उसे देख रहे हैं कि क्या लगाया है मैंने। तो इन्होंने लिटरली गाड़ी साइड में लगा ली और मुझे मिरर में देख रहे हैं। ओके, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारत, वंदे मातरम।